हमारे साथ बीजेपी विधायक शशिभूषण मेहता जी है। क्या मामला को लेकर आप यहाँ पे फिर से एक बार विधानसभा के परिसर के सामने में? देखिए, बाकी विधानसभा पलामू का एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पर 99% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। ये चाको पीरी सोने का जलाशय परियोजना जो विभागीय मंत्री जो थे माननीय हेमंत सोन जी, उनके टेबल पर पड़ा हुआ था। अभी भी ये विभागीय मंत्री के पास इसको पड़ा हुआ है। अब ये जलाशय परियोजना अगर पूरा होने से यह एक एक खेत में पानी हो जाता और लोगों के किसानों के चेहरे पर खुशहाली होती और खेतों में हरियाली होती। अब आज इसको लटका करके अटका कर रखा गया है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम आज सरकार से मांग करने के लिए कि आप इस परियोजना को आप स्वीकृति दें और टेंडर कराएं, जिससे कि इसको खेतों में पानी किसानों को पहुँच सके और लोगों में खुशहाली आ सके। सदन में इस बातों को आपने रखा, पहले रखा था? पहले भी रखा है, कई बार रखा है। उन्होंने कहा था इसके पहले भी हमने पिछले सत्र में रखा था गैर सरकारी संकल्प में। मंत्री जी ने कहा था कि इसको जल्द से पूरा करेंगे और अभी तक इसको आस लगाए हुए पाकी विधानसभा की जनता, पाकी विधानसभा एक एक किसान है सो आस पर बैठे हुए कि कभी स्वीकृति मिली और कभी खेतों में पानी मिलेगी। सरकार से उम्मीद में सो बैठे हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में बिजली का बिल वृद्धि हो चुका है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार है हर मोर्चे पे फेल है, जिसमें एक बिजली भी है। आप दे हम कई एक प्रश्न लाए है विधानसभा में और विभागीय जीएम वगैरह को ही लिखा है कि ऐसे ऐसे जो है गांव जहां पर कहीं की तार टनाया नहीं, छोटा गड़ा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा नहीं और बिजली बिल वसूला जाता है। और ये करने के बाद क्वेश्चन करने के बाद बोलते हैं कि हम लोग करवा देंगे, लेकिन आज तक सैकड़ों गाँव यहाँ पर आज सदियों से अंधेरा था, ढिबरी युग में जी रहे थे। आज भी पाकी विधानसभा का ये बहुत सारे गाँव, सैकड़ों गाँव आज अंधेरे में हैं और इसके बावजूद भी है बिजली को बिल का टैरिफ को बढ़ा देना। निश्चित रूप से ये कहिए कि आम आवाम बिजली उपभोक्ता और जन जन के प्रति अन्याय है और इसको सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। शशिभूषण जी, आज 5वां दिन है, लेकिन जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर आप लोग लगातार, क्या उसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है? जनता का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, वो तुमको आप लोग क्यों नहीं? मुद्दा तो हम लोग उठा ही रहे, किसान का ही, सिंचाई का मुद्दा है, हम लोग तो उठा ही रहे हैं। लेकिन ये जो आज लाखों लाख ऐसे युवा हैं जो आज ठगे हुए हैं और उसको मुख्य मुद्दा है, उसको हम लोग गंभीरता से लिया है और इसको हम लोग सदन से लेकर सड़क तक इसको हम लोग आवाज उठाएंगे और इनका मांग पूरा करने के लिए, जनता और युवाओं का मांग पूरा करने के लिए आवाज उठाते हैं। सरकार तो कह रही है कि हमने एसआईटी का गठन कर दिया है, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। एसआईटी में वैसे पदाधिकारी हैं जांच टीम में जो अपने बड़े पदाधिकारी के खिलाफ में जांच नहीं करेंगे, तो ये दूध का दूध पानी का पानी होने के लिए जो जिसका किंग पिन है इसमें घटना में उनको करने के लिए पकड़ने के लिए गिरफ्त में लाने के लिए निश्चित रूप से सीबीआई कर सकते हैं, दूसरा कोई संस्था नहीं कर सकती है। चलिए, ये तो हमारे साथ पार्टी से विधायक शशिभूषण मेहता जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो युवाओं का मामला है, जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर हम लोग लगातार उठा रहे हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो इस पर किसी भी प्रकार के सिर्फ कह सकते हैं कि एसआईटी का गठन किया है और उसमें कह सकते हैं कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग को ही संरक्षण मिल रहा है। लेकिन जो लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीबीआई की जाँच हो, लेकिन देखना होगा कि सदन में भी जेएसएससी पेपर लीक मामला लगातार उठाई जा रही है, वेल तक में चले जा रहा है विधायक, लेकिन देखना होगा क्या विपक्ष के बातों को सत्ता पक्ष मानती है या नहीं। सहयोगी राकेश के साथ मनीष झा, न्यूज़ विंग, रांची।